नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता, और आज कुछ बेसिक बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, वो हमें बताता है व्हाट टू डू कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली कोई भी एक्ट अगर किसी बात को बताता है तो इसके लिए वह सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉज और सब क्लॉज, इनके जरिए अपनी बात को बताता है। अगर मैं बात करूं सेक्शंस की, मान लीजिए कोई भी एक्ट सौ बातों को बताना चाहता है, तो इसके लिए वह 100 सेक्शन कंटेन करता है। मतलब वह अपनी 100 बातों को 100 सेक्शंस के जरिए बताता है। और अपनी पहली बात में वह 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता है। तो ऐसे में जो सेक्शन 1 होगा उसके अंदर मेन बात की जाएगी, और उसके बाद जो सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4, इनके अंदर वो अपनी 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। अब मान लीजिए वह जो उसके 4 पॉइंट्स हैं उसके पहले पॉइंट में भी उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता है उस पॉइंट को, और उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता है, तो वह क्लोज का सहारा लेगा। तो मान लीजिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के तहत वह कोई और 2 बातें बताना चाहता है उस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, तो ऐसे में वह क्लोज का सहारा लेता है। तो यहाँ पर क्लोज 1, क्लोज 2, तो यहाँ पर मेन सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 1 है और सब क्लोज स्मॉल 1, स्मॉल 2 है। और अभी इसमें फर्दर यह मान लीजिए कि जो क्लोज 1 है उसमें भी कोई ऐसी बात है जिसको वो और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता है, तो ऐसे में वो सब क्लोज का सहारा लेगा। तो इसी में मान लीजिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लोज स्मॉल 1, इसमें वह 2 बातें और बताना चाहता है, तो यहाँ पर सब क्लोज A, सब क्लोज B। तो कभी भी ध्यान रखें, हम किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी बात पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें सेक्शन पढ़ना होता है। सेक्शन के अंदर अगर कोई सब सेक्शन है वो पढ़ना होता है, सब सेक्शन के अंदर कोई क्लोज है वो पढ़ना होता है, और क्लोज के अंदर अगर कोई सब क्लोज है तो हमें वो पढ़ना होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे रीड किया जाता है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन सॉरी क्लोज स्मॉल 1 और सब क्लोज A, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लोज स्मॉल 1 और सब क्लोज B। तो इस तरीके से हम यह सब रीड करते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स लॉ के तहत, इनकम टैक्स एक्ट में अराउंड 298 सेक्शंस दिए गए हैं और इसके अलावा 14 शेड्यूल्स दिए गए हैं ये शेड्यूल्स बेसिकली चार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोविजंस को बताते हैं तो इन 298 सबसेक्शंस में बहुत सारे सबसेक्शंस भी होंगे बहुत सारे क्लॉजेस भी होंगे और बहुत सारे सब क्लॉजेस भी होंगे अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो जनरली किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है वो उस एक्ट का नाम बताता है वह एक्ट कब से एप्लीकेबल होता है वह डेट बताता है और वह एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है यह बताता है तो अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की तो सेक्शन 1 में बताया गया कि जो इस एक्ट का नाम होगा वो होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और यह एप्लीकेबल होगा 1/4/1962 से और यह एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर तो पूरे भारत पर यह एक्ट एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर पर भी यह एप्लीकेबल होता है 1/4/1962 से यह एप्लीकेबल किया गया था और इसका नाम रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज की इस क्लास में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग ऑल अबाउट टैक्सेस